कांग्रेस ने जो किसान शहीद हुए हैं मंदसौर में उसके विरोध में यहां प्रदर्शन किया। ये सरकार किसान हत्यारी सरकार है। वहां बॉर्डर पे देखो तो सैनिक शहीद हो रहे हैं, यहां मध्य प्रदेश तो महाराष्ट्र में देखो तो किसान शहीद हो रहे हैं। ये कैसी सरकार और कैसा प्रशासन है, हम लोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आम जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये भाजपा का दोहरा चरित्र है, कहती कुछ है करती कुछ है। किसान विरोधी सरकार है, किसानों के हित में कोई काम नहीं करती है, गरीब विरोधी सरकार है। आज दमोह में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस, शहर कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस NSUI के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन किया गया है और हम लोगों ने ज्ञापन माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को सौंपा है। हम लोग ये चाहते हैं कि जहां हमारे कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों के ऊपर जूता और चप्पलें और पत्थर मारे जाते हैं, वहां ये निकम्मी और नाकारा सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। पर जहां किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं उन किसानों के ऊपर ना अश्रु गैस चलाई जाती है, ना लाठीचार्ज होता है और सीधी गोली चलाकर 6 किसानों की जो मौत हुई है, ये घोर निंदनीय कृत्य है मध्य प्रदेश शासन का। 7 नहीं 6 नहीं, मेरे ख्याल से 7.5 दर्जन 8-9-10 किसान मारे गए हैं। कुछ लाशें तो
बीजेपी के लोगों ने छुपा दी है, पुलिस ने छुपा दी है, और किसानों से सिंपैथी खत्म हो जाए इसलिए अन्य वर्गों की इन लोगों ने इस तरह के आंदोलन को हिंसक रूप देने का प्रयास किया है। और इस ज्ञापन के माध्यम से जो जिला कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, ग्रामीण कांग्रेस, शहर कांग्रेस, सारे कांग्रेस के जितने भी लोग थे, जितनी इतनी कम समय में जो संभव थे, सब ने आकर के मांग की है कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए जो कुपोषण में देश में फर्स्ट, बलात्कार में फर्स्ट, गरीबी रेखा के नीचे में तीसरे नंबर, करप्शन में भयावह हालत है, व्यापम में हजारों लोग मर चुके हैं। इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं, सरकार को राज्यपाल महोदय को राष्ट्रपति से चर्चा करके बर्खास्त कर देना चाहिए। Actually,